नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंदा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोजाना यूज होने वाले 31 इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, क्या सच में आप मुझे भूल चुके हो? Have you really forgotten me? Have you really forgotten me? ऐसा यहाँ हर हफ्ते होता है। It happens every week here. It happens every week here. आपके वहाँ नहीं हो रही क्या बारिश? Is it not raining on your side? Is it not raining on your side? ये प्रोग्राम हर मंगलवार को आता है। This program is telecasted every Tuesday. This program is telecasted every Tuesday. मैंने उसे भुला दिया है। I have forgotten her. I have forgotten her. मैं रोज इतने सपने क्यों देखता हूँ? Why do I see so many dreams every day? Why do I see so many dreams every day? तुम रोज मेरे सपने में आते हो। You always disturb me in my dreams. You always disturb me in my dreams. आप जो दिखा रहे हो वो मुझे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। Whatever you are showing is not properly visible to me. Whatever you are showing is not properly visible to me. मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया। I did try to stop him, but he slipped away. I did try to stop him, but he slipped away. किसने कहा तुमसे ऐसा करने की? Who told you to do so? Who told you to do so? तुझे ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी? Why was it necessary for you to do so? Why was it necessary for you to do so? तू ही बता, मैं वहां पर क्या करता? Just tell me, what should I have done there? Tell me, what should I have done there? मैंने आपको जानबूझकर कॉल नहीं की। I did not ring you intentionally. I did not ring you intentionally. मैं जानना चाहता था कि आप मुझे कॉल करते हो या नहीं। I just wanted to know whether you call me or not. I just wanted to know whether you call me or not. मैं ही रोज आपको कॉल करता हूँ। I do call you daily. I do call you daily. आप कॉल कभी नहीं करते। You never give me a call. You never give me a call. ये सब आपका प्यार है और कुछ नहीं। It's all your regard, nothing else. It's all your regard, nothing else. ये जितने भी बच्चे फेल हुए हैं ये आपके कारण हुए हैं। द फेलियर ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स इज बिकॉज ऑफ यू। द फेलियर ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स इज बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपने पढ़ाया ही नहीं था। बिकॉज यू डिड नॉट टीच देम वेल। बिकॉज यू डिड नॉट टीच देम वेल। कुछ हुआ नहीं तो बस पुरानी बातें ले आती है बीच में। इन द एब्सेंस ऑफ अ रियल कॉज ओल्ड मैटर्स रेज देयर स्पाइक्स। इन द एब्सेंस ऑफ अ रियल कॉज ओल्ड मैटर्स रेज देयर स्पाइक्स। बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तेरी इन बातों का। कीप ऑन बार्किंग, नथिंग मैटर्स टू मी। Keep on barking, nothing matters to me.
अपना फालतू दिमाग मत चला. डोंट बी ओवर क्लेवर. डोंट बी ओवर क्लेवर. ध्यान रहे ये बात तुम्हारे मुंह से कभी ना निकले. कीप इन माइंड इट शुड नेवर कम आउट ऑफ योर लिप्स. कीप इन माइंड इट शुड नेवर कम आउट ऑफ योर लिप्स. या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, बी ऑन द अलर्ट यू नेवर ब्रीथ इट आउट. बी ऑन द अलर्ट यू नेवर ब्रीथ इट आउट. मेरा दिल कभी मत तोड़ना. नेवर ब्रेक माई हार्ट. नेवर ब्रेक माई हार्ट. या फिर इसे हम कह सकते हैं, नेवर हर्ट मी. नेवर हर्ट मी. ये सिर्फ आपके और मेरे बीच की बात है. इट्स स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी. इट्स स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी. मैं जितनी बार भी एब्सेंट हुआ, मैंने हर बार एप्लीकेशन भिजवाई थी. Whenever I was absent, I sent my application. Whenever I was absent, I sent my application. मैं आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आया हूँ. I have come to school after many days. I have come to school after many days. भाई मैम को बोल देना कि उसकी तबीयत खराब है, वो स्कूल नहीं आ पाएगा. Tell ma'am, he is not well. He will not come. Tell ma'am, he is not well. He will not come. क्या उसका पति उसको खुश रखने वाला है? Is her husband caring? Is her husband caring? क्या वो उसको खुश रख पाएगा? Will he keep her happy? Will he keep her happy? तुझे कैसा पति चाहिए? What type of husband do you want? What type of husband do you want? आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों. बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए. जय हिंद, जय भारत.